डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और दोषी राम रहीम के जेल जाने के बाद एक खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। राम रहीम के ड्राइवर रह चुके बेअंत सिंह ने जो खुलासा किया है उसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेअंत सिंह के सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक डेरा में आध्यात्मिक शिक्षा की आड़ में लोगों का गला घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था और शवों को सिरसा की बाखड़ा नहर में बहा दिया जाता था, लेकिन बाद में शवों का दाह संस्कार किया जाने लगा और उनकी हड्डियों को सिरसा के बाग में दफनाया जाने लगा। पाखंडी बाबा का ये सिलसिला सालों साल तक जारी रहा, लेकिन जब बाग में शवों की हड्डियों की तादाद बढ़ने लगी तो फिर डेरा प्रेमियों से हलफनामे लिए जाने लगे, जिसमें लिखा गया कि यदि मृत्यु होती है तो उनकी डेड बॉडी शोध के लिए डेरे में दान दे दी जाएगी। जिसके बाद इन हलफनामों की आड़ में लोगों को मारकर उनकी हड्डियां बाग में पड़ी पुरानी हड्डियों में मिलाई जाने लगी। बेअंत की माने तो जो भी बाबा के गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे इसी तरह सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाता था। बेअंत के इन सनसनीखेज खुलासे से साफ है कि डेरा की आड़ में राम रहीम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लोगों के साथ ऐसा खौफनाक काम करता था कि सीधे उन्हें इस दुनिया से ठिकाने लगा देता था। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।